वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक की बात किया तो फ्राइडे के दिन एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 1.40 लेवल पे क्लोजिंग दे चुका था जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, यानी कि फ्राइडे के दिन में 10 पैसे ऊपर तकरीबन 7.69% इसकी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। यानी कि देखा जाए तो देख सकते कि तकरीबन प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसी के साथ ओपन हो चुका था फ्राइडे के दिन। धनी सर्विस सॉरी जीटेल इंफ्रा स्टॉक ओपन होने के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। 1.40 लेवल पे देख सकते अपर सर्किट लेवल बन चुकी थी, वही उसी लेवल पे काफी समय रजिस्टर लिया और 1.35 ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का मार्केट कैप जो है 1.81,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन यहाँ पे देख सकते कि 24 मूवमेंट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते इतनी खास मूवमेंट तो देखने को नहीं मिली थी। तो वॉल्यूम देखोगे फ्राइडे के दिन का तो 7 करोड़ 40 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 1029 लाख की देखने को मिली थी। सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन भी देखे जाए तो देख सकते 7,40,000 में से टोटल 7 करोड़ 40 लाख में से तकरीबन 3 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। टोटल 40% क्वांटिटी जो है ट्रेडेड में से डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं यहाँ पे जीटेल इंफ्रा में। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट भी देखा जाए तो देख सकते जो मंथली प्यूट है वो यहाँ पे सपोर्टिव एक्ट हो रहा है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए 1.30 लेवल पे, और ऊपर देखा जाए तो 1.40 लेवल जो है वो रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। जबकि उसको ब्रेक करके ऊपर सेटल होता है तो तेजी देखने को मिलेगी बाइंग साइड में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।